कैमरा बंद हो जाओ खुद ही। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स इब्रा हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू गाइस नो के सुनने में आ रहे हैं कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट एफसी बिकॉज आई नो पीपल आर गोना आस्क मी वो कब खुलेंगे, बट आई थॉट दिस वुड बी अ रियली नाइस वीडियो फॉर पीपल दैट आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग आउट यूनिवर्सिटी दिस फॉल। जब मेरा फ्रेशमैन वीक था, आई स्टिल रिमेम्बर के आई यूज टू वॉच दीज यूट्यूब वीडियोज टू सी व्हाट्स गोना हैपन, या फिर ओवरऑल के मतलब हाउ शुड आई बी मेंटली प्रिपेयर्ड, व्हाट शुड आई टेक अलॉन्ग, क्या सारा सीन होगा। लेकिन आई ऑलवेज फाउंड वीडियोज जो कि बाई के यूट्यूबर्स ने बनाई हुई है एंड दे यूज टू रिकमेंड वेबसाइट्स लाइक फाइंड योर इंस्ट्रक्टर एंड स्टाफ, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली बात अवेलेबल नहीं है। सो आई थॉट आई शुड मेक दिस वीडियो फॉर दोज पीपल। एक तो पहली बात ये कि कोरोना एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी डिफरेंट दिस टाइम, सो एंजाइटी वैसे बहुत हाई है। सो आई वॉन्ट टू मेक दिस सो यू गाइज नो एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्रेशमैन वीक, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट एंड लिटिल एडवाइस फ्रॉम मी अबाउट हाउ यू शुड गो अबाउट इट। आई रियली रियली विश समबडी हैड टोल्ड मी ये सब चीज़ें दैट आई एम गोना टेल यू गाइज राइट नाउ। So without further ado, let's start. Okay, so the first thing, it's gonna sound really simple, but it's not as simple as it sounds. Guys, try to relax and try to be calm about it. ठीक है? Everybody is in the same boat. जब you're starting university, आपको लग रहा होता है कि आपको कुछ नहीं पता, okay, how are you gonna go about it? Some people are coming बाहर की city से, some people are चलो जो आप जिस city में अगर उससे भी आप हो, still everybody is in the same boat. ठीक है, सब university पहली दफा start कर रहे, सबके लिए it's a new experience, so just relax. It's not like anybody is gonna judge you about कि अच्छा इसको ये नहीं पता कि campus का ये room कहाँ पे है, या फिर इसको कुछ और नहीं पता. Everybody is going through the same process, so just relax and calm down. Nobody is gonna judge you because as I said, everybody is going through the same boat. Everybody is in the same boat, not going through the same boat. Okay, everybody is in the same boat and that boat is going to sink soon. But so that's the first advice. The second advice that I would like to give you guys is ye ke be ready to be disappointed. Ab I don't have a nicer way of saying this, but no matter aap jitni marzi kam expectations leke ja rahe ho, like aapne obviously what you've heard about college life, you've heard about this pura freshman experience ya aur pura experience aapne cousins se, apne behan bhaiyon se, ya you have seen it in movies jo ke bahut hi jhoot hote hain, but aap jitna marzi try karo na, you will be expecting something. theek hai, aap jitna marzi koi kehte nahi nahi I am going without any expectations, aisa kuch nahi hota. Everybody is expecting some kind of kuch bhi. So my second major advice would be ke be ready to be disappointed because it's not going to be like you imagine. जितना मर्जी आप अपनी तरफ से कहो कि okay, I have really low hopes from this university, still it's not going to be the way you thought about it. और इसी से बहुत closely related है मेरा third point is ये कि stop comparing. Okay, so मेरे freshman meet पे I had people around me जो कि कंटिन्यूसली देवर कंपेयरिंग, अच्छा यार ए लेवल्स ऐसा था, अच्छा ए लेवल्स में इस तरह के लोग थे, यहाँ पे ऐसे है, ए लेवल्स में क्लासेस इस तरह की थी, टाइम टेबल, एवरीथिंग, दे यूज्ड टू कंपेयर छोटी छोटी चीजें ऑल द टाइम. सो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड यू गाइज टू नॉट कंपेयर चीजें. ऑब्वियसली बात है आपका ए लेवल्स या आपकी स्कूल लाइफ, इफ इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू, तो दिस कांट मैच दैट. ऑब्वियसली हो सकते हैं उससे बेहतर, हो सकते हैं उससे बेहतर ना हो, लेकिन इफ यू आर कंपेयरिंग एवरी लिटिल थिंग फ्रॉम लाइक छोटी छोटी बातें अपने एरियल एक्सपीरियंस से, अपने स्कूल एक्सपीरियंस से, तो यू आर गोना बी मिजरेबल. इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ यू आर गोना थिंक अच्छा यार इट्स नॉट गोना बी एज गुड एज मेरा स्कूल लाइफ, इट्स नॉट गोना बी एज गुड एज माई कॉलेज लाइफ बिकॉज वो बहुत अमेजिंग था, मेरे वहाँ दोस्त बहुत अमेजिंग थे, वहाँ के फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बहुत अमेजिंग थी, सो यू आर गोना बी मिजरेबल हियर. आपने हर चीज कंपेयर करनी, आपने मिजरेबल होने, सो इफ your mindset is shuru se miserable you're gonna end up with. Another advice that I would like to give you guys is ye ki be informed before going on campus. theek hai, ho sakta hai ki aapne campus pehle dekha ho pictures mein, ya aap orientation ke liye gaye ho, ya aap admission karwane gaye ho. currently corona hai to I don't think a lot of people might have been to the campus they're going to abhi is fall mein. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाओ, वरना लोगों के पहले के ब्लॉग्स पड़े होते हैं, मैप्स पड़े होते हैं यूनिवर्सिटी के, जस्ट बी इन्फॉर्म्ड. लाइक आपको थोड़ी छोटी छोटी बातें पहले से आप देख लो कि अच्छा कैफे किधर है, या विच डोर आर यू, मेन गेट आर यू गोइंग टू यूज, और मतलब इस तरह की छोटी 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 चीज़ें अगर आपको पहले से पता होगी, यू विल बी मच 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 मोर कॉन्फिडेंट ऑन डे वन, वरना यू विल बी लाइक हेसिटेट एंड यू विल बी लाइक स्केयर्ड पूरा दिन के यार मैं फॉर एग्जाम्पल कैफे किधर है, मुझे पता ही नहीं कुछ, व्हाट इफ कोई मुझे गलत रास्ता बता दे. एंड लाइक यू नो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये कि आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करके जाओ. सो दैट वुड बी अनदर पॉइंट.
coming to the next point, which is, I know you've heard it multiple times from people, but be ready for change and just be open to change. अब अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, आई वॉज पर्सनली रियली पम्प्ड अप पहले हम कुछ हफ्तों में. आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट हर फ्रेशमैन एक्टिविटी में. आई वॉन्टेड टू डू एवरी थिंग एंड आई डिड डू एवरी थिंग बट नहीं. सो दैट इज वन एडवाइस दैट आई फील लाइक आई स्टिल थिंक के इट वॉज अ रियली गुड डिसीजन बिकॉज अभी तक आई हैवंट एक्सपीरियंस उस तरह का कुछ भी. ऑब्वियसली बट दैट ऑकवर्डनेस, दैट क्लमजीनेस इज गोइंग टू बी देयर, बट यू नीड टू एक्सेप्ट इट. दैट्स ऑल आई कैन टेल यू गाइज. And don't be afraid to socialize and don't be afraid to talk to people. Like, अगर आपको पता है कि एक बंदा like मैं इतना क्यों कर रही हूँ, but if there's somebody in your class, for example, and you feel like you guys cannot be friends, still it would be really nice if you just talk to that person. So I have a lot of people जिसे मैंने अपने पहले हफ्ते में बात की थी. I'm not friends with them, but I'm still glad I talked to them because इससे आपका और कुछ नहीं, like if you have a friendly face in the class or in the first week, it helps generally. Another advice that I would like to give you guys is that अच्छा courses का क्या scene होता है और सारा क्या scene होता है. पहली बात तो ये, जब आप आओगे ना, किसी को कुछ नहीं पता, सब university पहली दफा आ रहे हैं, so they will let you know कि courses का क्या scene होगा, फिर choose कैसे करना है, आपकी classes कहाँ है, ये सब बातें वो आपको उसी time बता देंगे. But अगर आपको उसके बाद भी for example you're anxious या आपको पता नहीं आप कौन से टीचर से कोर्सेज रखो, मैं प्राइमरी में एफसी की एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज हर जगह इतना नहीं आपने कोर्सेज चूज करने होते हैं. बट फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता आप कोर्सेज कौन से रखो, आई वुड हाईली 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 रिकमेंड दैट यू आइदर टॉक टू सीनियर्स या फिर यू ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स. ठीक है, मोस्टली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के फेसबुक ग्रुप्स होते हैं या पेजेस होते हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप वो ज्वाइन कर लो, उनके पेजेस लाइक कर लो. एक तो पहली बात यू स्टे अपडेटेड अबाउट द इन्फॉर्मेशन एंड स्टफ दैट्स गोइंग ऑन इन द यूनिवर्सिटी, एंड सेकेंडली यू विल बी एबल टू आस्क अबाउट टीचर्स, यू विल बी एबल टू आस्क अबाउट कोई मसला इफ यू आर फेसिंग. एंड या जस्ट डोंट बी अफ्रेड टू आस्क सीनियर्स अबाउट टीचर्स स्पेशली. आई फील मैंने अपने पहले हफ्ते में आई डिड आस्क अ फ्यू पीपल अबाउट अ स्पेसिफिक टीचर एंड बिलीव मी गाइस आई वाज सेव्ड, वरना अगर मैं उन इंस्ट्रक्टर से कोर्स रख लेती मेरा पहला सेमेस्टर वुड हैव बीन हॉरिबल. सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस के अपने सीनियर से पूछ लो, या फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर शाय एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू योर सीनियर्स, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लो. वहाँ पे पहले ही लोगों ने लगाया होता है कौन से टीचर्स कैसे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स कैसे हैं, सो यू कैन ईजिली गेट योर इन्फॉर्मेशन देयर. अब आ जाते हैं, ये सब तो वो चीज़ें थी लाइक मेंटली व्हाट डू यू गाइस नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट. अब आ जाते हैं अबाउट द थिंग्स यू नीड टू कैरी एंड व्हाट शुड यू जनरली एक्सपेक्ट. अब कोरोना है तो आई पर्सनली फील है कि इस दफ़ा वो सी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी. अगर एक्टिविटीज़ वगैरह होनी हो, हमारी दफ़ा इन पर्सन थी तो थिंग्स वॉज डिफरेंट. मैं अपने फ्रेशमैन वीक पे आई ओनली यूज टेक दिस फाइल जो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे दी थी, उसमें बेसिक चीज़ें थी लाइक मैप, इवेंट्स के डेट वगैरह क्या चल रहा है फ्रेशमैन वीक में. आई यूज टू कैरी दैट, आई यूज टू कैरी एक स्मॉल नोटबुक एंड अ पेन, दैट्स ऑल आई यूज टू कैरी फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज आपकी उस तरह से क्लासेस नहीं हो रही होती एंड यू आर स्टिल मर्जिंग इट. बट एज आई कीप सेइंग इट्स नॉट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस फॉलोइंग ही स्टार्ट हो जाए. सो दीज आर द एडवाइसेज आई हैव एंड द लास्ट एडवाइस वुड बी दैट एंजॉय इट गाइज. लाइक यू आर नॉट गोना बी फ्रेशमैन फॉर एवर एंड ये जो शुरू के कुछ हफ्ते ये फिर से नहीं आने वाले, सो जस्ट enjoy them. I remember being so nervous about it because I was the kind of person who really wanted to experience the university life, university culture, jo ki dikhaya hota hai movies mein. And believe me, mere liye bilkul is right, it didn't turn out like that. I didn't make friends in my freshman week. I didn't socialize. I did socialize, but I didn't end up making friends. Logon ki bahut jaldi dostiyan ho jati hain and everything. It didn't work out for me that way. But would I still live it all usi tarah? Yeah, I would, because it's all about enjoying it and it's all about making memories at the end of the day. Like, even if I didn't make friends in that phantom trivia game that I played, I still remember it. So yeah, that would be my last advice, to enjoy it and to be prepared ki ho sakta hai dostiyan na ho, sakta hai university is like horrible experience for you overall, but still it is your experience and I would recommend you to live every moment and every bit of it so that one day you can reflect upon it and her experience aapko overall it makes you grow as a person, it adds something to your personality. So that would be my last advice, to actually enjoy the pura experience. So
yeah, that's pretty much it from my side about the Pura freshman experience. If you guys want me to make more videos about the college experience, because I say in every video, then specifically comment down below this video ke niche, because it gets really hard for me to go through my Insta ke DMs. So comment down yahi par hi what else do you want me to talk about, and I try my best to answer it. Thank you so much guys for showing so much love on my previous videos that I made about studying psychology at a Pakistani university, and do I recommend FCCU to you or not. So yeah, that's it. Okay guys, so like this video, comment down below, jo ki main baar baar remind karwai ja rahi hu, follow me on Instagram because I post there a lot. Or yeah, if you actually found this video nice, so please recommend my channel to your friends and don't forget to subscribe. I'm not gonna make this outro again, ye isi tarah part ja rahi hu because I'm doing this for the fifth time. See you here next week. Allah Hafiz.